Hey guys, Assalamualaikum, Sasrakaal, I hope आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रानिया, मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है नबी का लब पर और ये एक नात है और जो इन जिसने इस नात को पढ़ा है उनका नाम है सैयद हसनुल्ला हुसैनी। तो देखते हैं इस वीडियो में मतलब ये नात कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके मैंने रील्स में एक दो लाइन सुना तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैं चाहता हूँ कि गाइस आप लोग भी इसको सुनो, क्योंकि इसकी जो लाइन्स है ना हमारे नबी की इतनी ज्यादा इसमें तारीफ की गई है और इतने अच्छे अच्छे लाइन्स है कि हमारे नबी का जो ऐसा लगता है कि यार हम नबी के दौर में आ गए और नबी की याद आ जाती है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के, आप लोग लास्ट तक के सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शेयर जरूर करना गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पे करे दिल रुबा बन के आया रूहे अर्जो समा बन के आए सब रसूल बन के आया। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बन कर खयाल आया कमाल आया। नबी का लब सुन सा हबीब मिसाल
के बारे में बोले, ठीक है। जब भी हजरत बिलाल का नाम आता है ना, तो मेरे को ना नबी का ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि यार ये मतलब ये इंसान कैसे इतने अच्छे हो सकते हैं, कैसे इनके ऊपर इनके अंदर हर ऐसे हैबिट हो सकते हैं कि यार सब्र करना, लोगों के लिए दुआ करना, लोग उनके साथ इतनी गलत मतलब बिहेव करते थे, उनको गलत बातें बोलते थे, उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि यार ये वो मैसेंजर है, फिर भी उसके बाद भी वो सब्र करते थे और उन्हीं के लिए दुआ करते थे कि इनको माफ करो, ठीक है, ये मेरे ही उम्मत के हैं, ठीक है। बहुत प्यारी प्यारी लाइन थी। एक और जो हूरों का गुरूर तोड़ डाला, और एक सबसे बेस्ट कि जब नबी आए तो मतलब ये दुनिया में नूर फैला, ये सबसे प्यारी चीज है, क्योंकि सच में जब नबी आए तो कितनी सारी चीजें मतलब इंसानों के लिए अच्छी हुई। लड़कियों को जो मतलब वहां पे दफना दिया जाता था, बेटी होती थी तो वो सारी चीजों को उन्होंने रोका, और जो गुलाम होते थे वो सारी चीजों को हटाया। तो किया। सच में दुनिया में जब हमारे नबी आए तो कितनी सारी अच्छी चीजें नूर फैला। और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा इस नात में, मतलब जब भी नबी के ऐसे मतलब पहले तो हम जानते नहीं थे नबी के बारे में, तो कोई भी मुसलमान जब बोलता था यार कि नबी के बारे में, मतलब कोई नॉन मुस्लिम बोलता था, तो वो एकदम लड़ने के लिए मरने के लिए उनके लिए तैयार हो जाते थे। तो हमें लगता था ये ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनके लाइफ स्टोरी के बारे में जाने और अभी जब ना सुनते हैं ना, तो हम मतलब समझ पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं एक एक लाइन की उनका क्या एक मकाम था यार। रियली बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ये नाच था, इनकी आवाज बहुत प्यारी थी सच में। तो इतने छोटे हैं और इनका जो फेस है एकदम मासूम, लेकिन इनकी आवाज इतनी प्यारी और बहुत ही बेस्ट था सच में ये नाच। यस गाइस, इस नाच को गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों तक के भी पहुंचाना। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।